समाजवादी पार्टी कार्यालय बहेड़ी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुख्य प्रवक्ता एवं MLC राजेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया। राजेंद्र चौधरी ने सभा में उपस्थित बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, पर्यवेक्षक, जोन प्रभारी एवं सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। भाजपा की सरकार में किसान, नौजवान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में अताउर रहमान बहुत मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत सपा कार्यालय पर दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने राजेंद्र चौधरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अताउर रहमान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में आप लोग अपने अपने बूथों को मजबूत कर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार अपनी भाषा की मर्यादा भूल चुकी है। वह किसानों को आंदोलनजीवी, सिखों को खालिस्तानी और यदि कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो उसे राष्ट्रद्रोही कहती है। बहेड़ी के भाजपा विधायक ने भी किसानों को कहा था किसान बॉर्डर पर पिकनिक मनाने और अच्छी दारू पीने के लिए जाते हैं, लेकिन अब बहेड़ी की जनता 2022 के चुनाव में भाजपा विधायक की जमानत जब्त कराकर इन्हें भी पिकनिक मनाने के लिए भेज देगी। जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप सभी मिलकर के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। बरेली से अनीता देवी की रिपोर्ट। जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से बुलाई जा रही है, बाहर से जो मदद ली जा रही है, स्वदेशी विचार कहाँ टिक सकता है। जो ये उत्पादन की बात करते हैं, सिर्फ उदाहरणों से लोगों का जीवन को नहीं चलाया जा सकता, लोगों को भी महकाया जा सकता। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है और इसका जवाब जनता देगी। और सरकार बनने पर समाजवादी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी एक एक इस तरह के झूठ का बदला लेंगे, फैसला करेंगे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा एक तरफ नारी सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ प्रदेश में बेटियों के साथ क्या होगा, महिलाओं का यदि बच्चियों का जीवन बहुत संकट में है, नहीं जा सकते, उनका परिवार के लोग घरे रहते हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, ये आम घटना है। लेकिन ये सरकार भाजपा की, इसे कोई दर्द नहीं है, कोई लाज नहीं है। ऐसी अंग्रेज सरकार लोकतंत्र कभी नहीं आ सकती। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। संकल्प में लिखा था 2019 में ही, और इन्होंने भी कहा कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुना करते हैं। इससे बड़ा कुछ झूठ हो सकता? वो उनका जीवन संकट में था किसान, और अब अडानी और ये सब मिल करके उनके खेतों पर उनकी दृष्टि है। हम उसके मालिक ये बनना चाहते हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं। उत्पादन लागत का जो 1.5 गुना का वादा किया था उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, केंद्र की सरकार ने भी, कि हम उत्पादन लागत से 50% ज़्यादा देंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करेंगे, कोई अमल नहीं किया। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे फंसाए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा, रोज किसानों का अपमान किया जा रहा। जनता ये सब देख रही है और इसकी कीमत भाजपा